ये बात मीडिया बंदू नहीं कह रहे, आप जो है हमेशा अभी कोई ऐसा सवाल चुभता हुआ करेंगे क्योंकि आपको पढ़ा करके भेजा जाता है, आपको विशेष करके जितने लोग बैठे हैं उसमें आप अकेले हैं जो हमेशा उकसाने का काम करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, हाँ, इतना कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का स्टेट। नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज सुबह सुबह दो ऐसी बड़ी खबरें आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। खेल मंत्रालय ने जिस तरह से भारतीय कुश्ती संघ को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया जो अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा था। जी हाँ, आपको बता दें कि खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह को सस्पेंड करने जैसा बड़ा फैसला सुनाया। संजय सिंह को सस्पेंड किया गया और पूरी की पूरी जो टीम नई तैयार की गई थी चुनाव होने के बाद उसे भी पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया। जब ये खबर सामने आई तो राजनीतिक गलियारों में और साथ ही जो कुश्ती जगत यानी कि जो खेल जगत है हर जगह हड़कंप मच गया। हर किसी के मन में ये सवाल था कि जब सरकार की सहमति के बाद और कोर्ट के आदेश के बाद ही WFI के चुनाव कराए गए, अध्यक्ष पद पर संजय सिंह की नियुक्ति हुई और उसके 3 दिन बाद खेल मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला ले लिया कि संजय सिंह को निलंबित किया जाता है और जो पूरी नई बॉडी तैयार की गई थी WFI के लिए उसे भी पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है। ये खबर आते ही हर जगह हड़कंप मच गया। हर किसी के मन में ये सवाल था कि अब बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का अगला कदम क्या रहेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह आग बबूला हो जाएंगे, वो तिल मिलाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। दरअसल ब्रिजभूषण शरण सिंह ने तो एक और बड़ा झटका हर किसी को दे दिया। हर कोई हैरान है कि आखिरकार अपना दबदबा दिखाने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह इतने नरम मिजाज में क्यों नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि जब ये खबर सामने आई कि संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है तो संजय सिंह जो कि दिल्ली में नहीं थे उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। जो भी है, अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। धन्यवाद। अभी नो कमेंट। देखा आपने और सुना भी। अब आपको जानकारी दे दे कि जैसे ही खेल मंत्रालय ने ये फैसला लिया, तिलमिलाए ब्रिजभूषण अचानक से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंच गए। हर किसी के मन में ये सवाल उठ ही रहा था कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह का अगला कदम क्या रहेगा। क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह अपनी पार्टी के खिलाफ ही बगावत कर देंगे, पार्टी को कोई बड़ा झटका दे देंगे, क्योंकि संजय सिंह की अगर बात करें तो वो ब्रिजभूषण के सबसे करीबी माने जाते हैं, यहां तक कि ब्रिजभूषण के बेटे और उनके दामाद से भी ज्यादा करीब, ज्यादा खास। और ऐसे में अगर संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया जाए तो हर किसी को लग रहा था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो कोई बड़ा बखेड़ा जरूर खड़ा करेंगे, वो सरकार पर प्रेशर बनाएंगे कि अपने इस फैसले को वापस ले लें। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो ऐलान किया उस ऐलान से तो हर किसी के चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। क्या था वो ऐलान, अब सुनिए जरा। मैंने 12 साल तक कुश्ती की के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी
प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है। ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है, तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। इसी के साथ बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया कि संजय सिंह आपके काफी करीबी हैं, उन्हें सस्पेंड करने के फैसले से क्या आप नाराज नहीं हैं, तो संजय सिंह संग अपने रिश्ते को लेकर किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने पूरी ही बाजी पलट दी, अब आप ये सुनिए। संजय सिंह भुईहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका एक साल खराब हो जाएगा, इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो। और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था और ये बच्चों का, 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। देखा आपने और सुना भी, बृजभूषण साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि चुनाव जो हुए हैं वो कोर्ट के फैसले से हुए, कमेटी की सहमति से हुए, ऐसे में उनका क्या दोष है। इसी के साथ जब बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया कि संजय सिंह के साथ उनका क्या रिश्ता है, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि संजय सिंह उनके कोई करीबी नहीं है, जो कुछ भी फैसला लिया वो कमेटी ने लिया, चुनाव कोर्ट के आदेश से हुए, तो इसमें मेरा सहयोग किस तरह से हुआ, मैं किस तरह से जिम्मेदार हुआ। बृजभूषण शरण सिंह का ये फैसला वाकई में सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और ऐसे में अब अहम सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का अगला रुख क्या रहेगा। माना तो ये भी जा रहा है कि अब साक्षी मलिक फिर से कुश्ती में वापसी भी कर सकते हैं, देखना काफी अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।